दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल देखो हिंदी न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शटल कॉक मेकिंग प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों बैडमिंटन के खेल में आपने शटल कॉक को तो देखा ही होगा, जिसे बैडमिंटन से मारने के बाद हवा में तेज गति से उड़ने लगता है, जिस कारण इसको चिड़िया भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं आखिरकार इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बत्तख के पंखों को इकट्ठा करके क्लीन करते हैं, फिर इसे फिक्स शेप में कटिंग करके खास शेप में काटते हैं, और फिर चिड़िया के कॉक वाले हिस्से को बनाने के लिए एक फॉर्म को सांचे में डालकर कुछ इस प्रकार से होल करते हैं, और 16 होल हो जाने के बाद इसको निकालकर इस पे ग्लू के साथ पंखों को लगाया जाता है, ताकि पंख ग्लू के साथ मजबूती से जुड़ जाए और खेलते टाइम पंख निकले ना। इसके लिए सभी पंखों को एक दूसरे के साथ धागे में बांध दिया जाता है, जिससे ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है। फिर इस कॉक को रोलिंग मशीन में डाल के राउंड शेप दिया जाता है, ताकि ये हवा में आसानी से उड़ सके। अब इसके सिलाई पर ग्लू लगाकर धागे को कठोर बनाते हैं, ताकि सिलाई ढीली ना हो। फाइनली अब चिड़िया तैयार हो जाने के बाद उस पर रेड टेप लगाकर उसके अंदर कंपनी का लोगो लगा देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका शटल कॉक यानी कि चिड़िया बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।